हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी क्या हलचल है तो आप जानते हैं पांच सितंबर टीचर्स डे 2022 और भारत में शिक्षा के इतिहास में एक ऐसा जबरदस्त पड़ाव आने वाला है जिसको कहा जाएगा कि बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा वो होगा क्या एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होगा पांच सितंबर इवनिंग में सिक्स पी एम तो अन अकेडमी वन है ना तो क्या है अन अकेडमी वन पांच सितंबर इवनिंग में सॉरी सिक्स पी एम के लिए आप तैयार है ना और मैं बस इतना ही कहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन का डे होगा पांच सितंबर और वो वो क्रांति या वो इतिहास वो अन रचने जा रहा है तो स्टे यून तो आप जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपके मन में आएगा सब्सक्रिप्शन लेना अन अकेडमी को ज्वाइन क्यों करना है वाई अन अकेडमी अन अकेडमी क्यों तो ढूंढते हैं कुछ जवाब पहले बात करते हैं रिजल्ट तो रिजल्ट देखो साल 2020 170 से ज्यादा 2021 178 से ज्यादा रिजल्ट अन अकेडमी के रहे हैं आपको बहुत सारे एडुकेटर्स मिलते हैं बहुत सारे एडुकेटर्स हैं एक ही सब्जेक्ट पे भी आपको अलग अलग एडुकेटर्स मिल जाएंगे आपको बैच कोर्स चेंज करने का ऑप्शन option है ऑप्शनल को चेंज करने का ऑप्शन है ऐसा नहीं है कि एक बैच कोर्स में शामिल कर दिया आपको कोई टीचर कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो आपकी मजबूरी बन गई उस बैच में रहना ना ऑप्शन है आपके पास ऑप्शनल को भी चेंज कर सकते हो उसके साथ लाइव देखो रिकॉर्डेड देखो डाउट सॉल्विंग सेशंस है साथ साथ टूकेटर साथ -साथ से पढ़ सकते हो यूपीएससीट दो हजार तेईस आप बोलोगे सर ये तो वन वीक वन टॉपिक है सैटरडे को होता है फ्राइडे को क्यों आज फ्राइडे के दिन कैसे हो गया उसका रीजन है बेटा अभी पांच सितंबर के दिन मैंने पहले ही बोला कुछ बहुत बड़ा होने वाला है उसकी तैयारी में थोड़ा एक दो दिन बिजी रहूंगा तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी जिसके चलते तो मुझे लगा सी सेट वाला टॉपिक तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वन वीक वन टॉपिक का हमारा जो कमिटमेंट है वो जरूर पूरा करेंगे तो उसी कारण आज हमारा ये सेशन फ्राइडे के दिन हो रहा है तो परेशान मत होना मेरे बारे में जान लो मेरा नाम है नवीन तंवर एट ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूं जोग्राफी से मास्टर्स यूजीसी नेट और जे दोनों क्वालिफाइड हूँ और ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन थ्री थाउजेंड आर्स है यूपीएससीएस के फील्ड में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नवीन तवर मेरे सभी क्लासेज के पीडीएफ आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन से पहले आपको कोई भी डाउट है तो सब आप इधर ही सॉल्व कर लेना मैसेज कर लेना कम्युनिटी पर लर्नर ऐप पे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उसके साथ ही साथ ही ये सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो जनरल स्टडीज का तो दो ऑप्शन है एक प्लस है एक आइकॉनिक है प्लस 12 महीने से लेके 36 महीने तक कोई भी ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपने अठारह महीने का लिया और ये लगभग सिक्सटी का है मेरे रेफरल कोड नवीन वन के बाद आपको टेन डिस्काउंट पड़ के सिक्सटी वन थाउजेंड में पड़ेगा सेम अगर आपने आइकॉनिक लिया अठारह महीने का नाइनटी फोर थाउजेंड वाला आपको एटी फाइव थाउजेंड के आसपास पढ़ने वाला है लेकिन उसके लिए आपको रेफरल कोड नवीन वन को अप्लाई करना होगा सेम अगर आप कॉम्बो मतलब जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करनी चाहिए तो समझो भाई जीएसएन अकेडमी से पढ़ोगे तो ऑप्शनल कहीं और से पढ़ना क्यों है सारे ऑप्शनल तो है हमारे पास तो कॉम्बो बेस्ट ऑप्शन है इसमें आप फिर अगेन नवीन वन रेफरल कोड लगाएंगे अठारह महीने का सपोज करो आपने कॉम्बो लिया प्लस कॉम्बो ये सेवेंटी नाइन थाउजेंड के आसपास वाला सेवेंटी वन थाउजेंड में पड़ेगा सेम आपका आइकॉनिक कॉम्बोस नाइनटी नाइन थाउजेंड के आसपास है उस पर टेन परसेंट डिस्काउंट मेरे कोड के बाद और वो एटी नाइन थाउजेंड के आसपास पड़ेगा ऑप्शनल अगर आपका कोई भी हो आप बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने कोई भी ले लीजिए जैसे वन ईयर का फीस अराउंड थर्टी है मेरे रेफरल कोड के बाद ही आपको टेन परसेंट डिस्काउंट होकर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड के, के आसपास पड़ेगा बस याद रखना नवीन वन और अगर भूगोल आपका वैकल्पिक विषय है तो कुछ सोचना ही नहीं मैं खुद ही आपको अन अकेडमी पे ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे एक बार के मैं कम्प्लीट फीस पे नहीं कर सकते लोन के जरिए ई पे चुका सकते हैं मात्र दो घंटे में अप्रूव हो जाएगा मिनिमम पेपर वर्क है और अगर आपको कोई बात करनी है एडमिशन से रिलेटेड इस नंबर सेवन एट टू फाइव एट सिक्स जीरो टू फाइव थ्री कॉल लगा लेना जो भी फोन उठाए साफ साफ बोल देना कि नवीन तवर सर का नवीन वन रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है आठ सितंबर से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं 2023 के लिए बायलिंगुअल और 2024 के लिए बायलिंगुअल 2023 के लिए हिंदी में बैच 2024 के लिए हिंदी में बैच और इंग्लिश के लिए 2023 का बैच और इंग्लिश में 2024 का बैच अन अकेडमी यूपीएससी जो एडुकेस्ट है मैंने आपको बताया था आपको कुछ चैलेंजेस दिए जा रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एडुकेस्ट चैनल का हमारा लिंक है उसको क्लिक करो चैनल पे जाओ एक चैलेंज मिलेगा उस इमेज को देखो उस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा उसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक फॉर्म मिलेगा उसमें अपना आंसर सबमिट कर देना और अट्ठारह हजार रुपए तक का आपको प्राइस जीतने को मौका मिल सकता है तो करना क्या है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके okay? और उसके बाद इमेज पे देख के गूगल फॉर्म है उसको भर के भेज देना और पांच सितंबर के दिन अनाउंस होगा आपका विनर कौन है तो टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क वन क्यों बोला मैंने क्योंकि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड कई तरह के सवाल आते हैं तो आज हम पर्टिकुलर वन टाइप के सवाल को हैंडल करेंगे

सबसे आसान टॉपिक में से एक लगने वाला है टाइम एंड वर्क ठीक है जल्दी से लाइक कीजिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए सेशन को चले ठीक है अब अब देखो टाइम एंड वर्क में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं आपने देखा होगा यूपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा है आ, कि सपोज करो आपके परिवार में दस लोग हैं, दस लोग हैं और आपके घर में एक राशन है राशन खाने पीने का सामान और वो दस लोगों का राशन आपका तीस दिनों तक चलता है पापा जी ने पैसे दे दिए मम्मी को लाके भाई ये चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी सब है हम भी है दादा दादी दस लोग है बजट के हिसाब से तीस दिनों का राशन आ गया घर में अब पता थोड़ा ही ना होता है रिश्तेदार का हफ्ते भर तक चल रहा था मासी आ गई मासी के दो बच्चे आ गए तीन आ गई मासी प्लस उसके दो बच्चे पता चला बुआ जी भी आ गई फूफा जी के साथ तो वन प्लस वन और हो गए यानी कि तीन लोग ये और दो लोग ये ये कितने दिनों बाद आए घर पे सात दिनों बाद सात दिनों बाद आ गए घर में पांच मेंबर और ठीक है अब वो बोलेगा कि जो बाकी राशन है क्योंकि सात दिन के बाद आए है यानी कि इस तीस दिन में से सात दिन का तो वो खाना खा चुके तेईस दिन बचे अब वो तेईस दिन के हिसाब से दस लोगों के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक था अब ये पांच लोग और आ गए तो ये सवाल पूछेगा कि अब ये लोगों के लिए ये राशन कितने दिन तक चलेगा दिस इज टाइप ऑफ दिन हो गए है ना टाइम वर्क वर्क से मतलब आपका कुछ भी हो सकता है वर्क डाइवर्सिफाइड है मैं दो चार एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा यह वाला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क वाले हमारा जो अप्रोच है उसी से ही सॉल्व होगा ठीक है दूसरा दूसरा एक और टाइप के क्वेश्चन बोलेंगे कि पांच मजदूर है पांच मजदूर है किसी दीवार को है ना किसी दीवार को तीस दिन में बना देते हैं तीस दिनों में बना देते हैं कोई दीवार है कोई दीवार है, है बोलेंगे कि अगर मजदूर आठ है तो उसी दीवार को कितने मतलब दीवार सेम है सेम दीवार है उसी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे कितने दिनों में बनाएंगे तो या इन्होंने तो तीस दिन में बनाया अब ये पांच से आठ हो गए तीन मेंबर और बढ़ गए तो डेफिनेटली सी बात है दिन कम लगेंगे पांच से आठ हुए तो उसी दीवार पे काम कर रहे कितने दिन में बना देंगे इस तरह के सवाल को सॉल्व कैसे करें कैसे सॉल्व करोगे जैसे मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं प्रश्न देख लो मेरे साथ प्रश्न देख लो कि यदि 16 आदमी 16 आदमी है किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो 40 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ऑप्शन है चार दिन में पांच दिन में छह दिन में सात दिन में कैसे करेंगे ठीक है एक बच्चा जवाब दे रहा है सर चार दिन में कर देंगे बहुत बढ़िया कोई और जवाब चार दिन चार दिन छह दिन चार कुछ के लिए आसान है कुछ के लिए मुश्किल तो मैं इसको आपको एक फॉर्मूला दे देता छह दिन वाले भी आ गए चार दिन वाले भी आ गए पांच दिन, दिन वाले भी आएंगे सुनो एक काम करते हैं एक काम करते हैं मैं आपको एक ताकत देता हूं एक ताकत एक ताकतवर फॉर्मूला देता हूं मैं आपको एम डी एच एम डी एच एम डी एच मसाला जानते हो एम डी एच हां उसके नीचे वर्क या आपका मनी बराबर एम डी एच वर्क या मनी एम डी एच मसाले सुने ना अरे नहीं वो बाबा जी के मसाले नहीं है एम डी एच का मतलब किसी भी कोई काम दिया होगा उसको काम करने वाले कुछ लोग होंगे मैन है ना उस काम को कुछ करने में कभी दिन दे देंगे डेज कभी आपको दे देंगे आवर्स घंटे सेम फिर क्या होगा तो यहां पे या तो वर्क की बात करेंगे किसी काम की बात करेंगे या ये बोलेंगे कि उनको इतना पैसा मिलता है इतना पैसा देते हैं काम हो जाएगा पैसा हो जाएगा फिर यहां भी मैन डेज मैन का मतलब महिलाएं हो सकती है आदमी हो सकता है मजदूर हो सकता है इंजीनियर हो सकता है कुछ भी और एच से आर्स घंटे फिर वही या तो कार्य पे आधारित प्रश्न होगा या कोई पैसे वैसे की बात कर रहे होंगे याद रहेगा भी तो फॉर्मूला क्या है फिर से मेरे साथ रिसाइट करो एम डी एच बटे वर्क ऑब्लिक मनी बराबर एम डी एच डिवाइड बाई वर्क और मनी ये लो ये फॉर्मूला है आपका याद रहेगा फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिख के फॉर्मूला बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होगा इसका यस यस जवाब दो इसी फॉर्मूले को लिख के बताओ एम डी एच इज इक्वल टू एम डी एच वर्क मनी अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एम डी एच बाय वर्क या मनी वर्क या मनी एम डी एच अपॉन वर्क या मनी तो सोलह आदमी है काम है कोई काम तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं सिक्सटीन अभी हमें सिक्सटीन दिया है काम क्या है किसी काम को मतलब हमने कोई काम मान लिया वो एक काम है जिसको वो कर रहे हैं दस दिनों में समाप्त करते नंबर ऑफ डेन अब जब आर्स नहीं दिए हो तो वन मान लेना जब घंटे नहीं दिए हो तो वन मान लेना ओके okay. फिर कहता है बताइए कि चालीस आदमी है नंबर ऑफ मैन कितने हैं इधर चालीस है, है। पूछता है कितने दिनों में काम करेंगे काम कौन सा है वही काम है यानी कि जो काम यहां हो रहा था सेम काम इधर हो रहा है तो क्या हो गया सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई टेन इजकल टू फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई डी अब डी इजकल टू हो गया एक सौ साठ बटे चालीस इससे ये चार बार कट गया फोर डेज ये लो अब बताओ आया समझ में चार दिन कुछ नहीं सोचना जो जो फिगर दे रखा है यहां पे जो जो डिजिट दे रखी है सीधी लाके इसमें डालो और उत्तर निकालो बात खत्म ठीक है क्लियर हो गया अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न कहता है बारह आदमी है भाई आदमी बारह है किसी दीवार को बत्तीस दिन में बना देते हैं तो कितने आदमी की जरूरत होगी अगर दीवार को चौबीस दिनों में बनाना है बारह आदमी बत्तीस दिन में अगर चौबीस दिन में बनानी है तो कितने आदमी लगेंगे जवाब दीजिए अरे बताइए पांच दिन चार दिन सोलह दिन सोलह तो है ही नहीं भाई सोलह वाले कहां से आ गए पकड़ के लाओ इनको चलो फॉर्मूला लगाते हैं एम डी एच एम डी एच अपोन वर्क इजकल टू एम डी एच अपोन वर्क तो आदमी कितने हैं बारह तो इधर मैन कितने हैं बारह दिन कितने हैं बत्तीस घंटे नहीं दिए हुए तो एक मान लेना कोई दीवार है यानी कि वर्क वर्क के नाम पे एक दीवार बना रहे हैं ये एक दीवार बना रहे हैं इधर क्या कहता है कितने आदमी की जरूरत है इधर इस एम को पूछा है कितने होंगे दिन कितने लगते हैं चौबीस घंटे नहीं दिए तो वन मानेंगे वर्क अभी भी सेम ही है तो लिखो बारह गुना बत्तीस गुना एक डिवाइड बाई वन इज टू एम पूछ रहा है डेज पूछे दिए गए हैं चौबीस डिवाइड बाई वन तो क्या हो गया बारह गुना बत्तीस बराबर एम गुना चौबीस तो एम बराबर हो गया बारह गुना बत्तीस बटे चौबीस है ना तो बारह दुनी चौबीस इधर कितना हो गया सोलह तो कहता है कितने आदमी की आवश्यकता होगी अगर 24 दिन में बनाने हैं तो ऑलरेडी कितने थे 12 और 24 दिन में बनाने के लिए कितने चाहिए 16 तो कितने और आदमी चाहिए तो 12 और 16 में कितने का डिफरेंस है चार तो उत्तर हो गया हमारा चार ये लो आंसर इज फोर स्पष्ट हुआ जल्दी जवाब दीजिए जल्दी जवाब दीजिए आ गया समझ में ठीक है डन 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 नेक्स्ट सवाल देखो कहता है अगर पांच आदमी छह घंटे पर डे काम करके किसी काम को बीस दिन में कर देते हैं तो पांच आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे अगर वो चार घंटे डेली काम करते हैं आप जस्ट इमेजिन एक सेकंड के लिए भूल जाओ आपके पास एमडीएच वाला चाट मसाला नहीं है वही अपना एमडीएच वाला कितना मुश्किल है ना ये फिर सवाल पांच आदमी छह घंटे बीस दिन पंद्रह आदमी कितने दिन कितने घंटे बड़ा मुश्किल है भाई अगर हमारे पास एम डी एच वाला चाट मसाला नहीं है तो ये सवाल नहीं होगा टफ हो जाएगा कुछ बच्चों के लिए ठीक है इस सवाल का उत्तर बताओ क्वेश्चन नंबर तीन एम डी एच चाट मसाला अपोन वर्क एम डी एच चाट मसाला अपॉन वर्क अब डिजिट डालना शुरू कर दो इधर वाले का कितने आदमी है पांच दिन कितने हैं बीस प्रतिदिन कितना काम करते हैं सिक्स घंटे काम सेम ही है इधर पंद्रह कितने दिन में समाप्त करेंगे ये पूछ रहा है दिन कितने लगेंगे और कितने घंटे काम करते हैं चार फॉर्मूला सेम ही है भाई तो इसको सॉल्व करेंगे अभी हम पांच गुना बीस गुना छ बराबर पंद्रह गुना डी गुना चार तो पांच तिया पंद्रह ठीक है चार पंजे बीस तीन दुनी छ तो क्या हो गया पांच गुना दो बराबर डी और इसका मतलब कितने दिन लगेंगे दस दिन सिंपल फिर तो कैलकुलेशन है टेन डेज किसी को कोई दिक्कत किसी को किसी तरह का दिक्कत बताइए मुझे टेन ए आ गया तो कैसा रहा फॉर्मूला मजा आया क्या फॉर्मूले में फॉर्मूले में मजा आया चलो और सवाल कराते हैं आपसे यदि समान क्षमता समान क्षमता इक्वल पावर के है पंद्रह पंप है पंप पी एम पी पंप एक टंकी को सात दिन में भरते हैं तो उस टंकी को पांच दिन में भरने के लिए कितने एक्स्ट्रा पंप की जरूरत होगी बताओ क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर चार का चलो इस बार आदमी की जगह पंप दे दिए है ना काम करने वाला एम डी एच अपोन वर्क एम डी एच अपोन वर्क तो पंद्रह पंप है ओके सात दिनों में भरते हैं घंटे नहीं दे रखे तो एक लिख लेंगे टंकी सेम है अब कहते पांच दिन में भरनी है पंप का तो पता नहीं दिन कितने में भरनी है अब ये पांच दिनों में फाइव डेज में भरनी है आर हमें पता नहीं काम वही है टंकी को ही भरना है तो कैलकुलेशन करो क्या आ गया फाइव मल्टीप्लाई बाई एम इज इक्वल टू फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई सेवन पांच ठिया पंद्रह तो एम इज इक्वल टू हो गए सात या इक्कीस यानी कि इक्कीस पंप की जरूरत है लेकिन सवाल में क्या पूछा कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत है पंद्रह तो ऑलरेडी थे ना हमारे पास पंद्रह सो पहले से ही थे तो इक्कीस में से पंद्रह को माइनस कर देंगे कितने पंप एक्स्ट्रा चाहिए सिक्स ये लो हो गया क्यों कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है पंद्रह आदमी एक सौ आठ मीटर लंबी दीवार को छह दिन में बना लेते हैं इस स्थिति में पच्चीस आदमी तीन दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे जवाब दो क्या उत्तर आएगा इसका ज्योग्राफी मेंस की क्लास 2023 के लिए भी ठीक है क्या यस बिल्कुल ठीक है करो उनको जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव का उत्तर बताइए मुझे वही फॉर्मूला लगाओ एम डी एच उसके बाद क्या काम हो रहा है बराबर एम डी एच क्या काम हो रहा है तो पंद्रह आदमी है नंबर ऑफ मैन पंद्रह है छह दिन में बनाते हैं आर्स लिखा नहीं गया क्या बनाते हैं काम 108 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, सेम 25 आदमी है नंबर ऑफ मैन 25, दिन कितने हैं? तीन घंटे दिएगी नहीं और पूछ रहा है यहां पे ये काम कितना इस काम को हमने बोल लिया x, इतनी लंबी दीवार बनाएंगे अब इसको सॉल्व करना है है ना इसको सॉल्व करना है सॉल्व कर दो तो भाई क्या दिक्कत हुई तीन दुनी छ पांच पंद्रह पान पंजे पच्चीस ओके okay? और ये तीन हो गया ना दो से इसको काटो या पहले तीन से काट लो तीन तिया नौ तीन छंग अठारह ये दो से छत्तीस गए अठारह तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स इधर आ जाएगा एक्स इधर आ गया और ये अठारह और पांच की गुना हो गई अठारह गुना पांच इज कल टू नाइनटी दिस इज योर आंसर ये गुना तो आती है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है ना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है मैं आपको बताता हूं सपोज करो कोई ऐसे लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई इज कल टू ए अपॉन बी इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का नियम क्या होता है इन दोनों की आपस में गुना और इन दोनों की आपस में गुना और बराबर लिख देते तो इसको लिख देंगे एक्स गुना बी और वाई गुना ए ऐसे सॉल्व होगा सेम इक्वेशन यही है यही वाली इक्वेशन है सेम सेम यही इक्वेशन है मैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कुछ बच्चों का हो सकता है इतना भी कमजोर हो तो भाई कमजोर तो हो, होगा तो फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा कैसे करेंगे इसको सुनो जैसे लिखा हुआ था पंद्रह गुना छुना एक बटे एक सौ आठ बाजू में लिखा था पच्चीस गुना तीन गुना एक अपोन एक्स तो इन दोनों की आपस में इन दोनों की आपस में ऐसे भी कर लेते तो क्या हो जाता एक्स गुना पंद्रह पच्चीस गुना, गुना, गुना तीन गुना एक गुना एक सौ आठ अब हमें यह सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हो आप इसको सॉल्व करके नाइन्टी उत्तर आएगा ठीक है अगला सवाल अगला सवाल है ठीक है अठारह आदमी दो घंटे डेली काम करते हैं और दस दिन में नौ नौ सौ मेज बना देते हैं तो छह सौ साठ मेज बारह दिन में कितने आदमी बना देंगे अगर वो डेली ग्यारह घंटे काम है ना भाई जिनका मजदूरी का और इस तरह का लेबर वाला काम है है ना ये ये आना ज़रूरी है जिनकी दुकानें है बिजनेस है कितने घंटे काम कराए कितने दिन में हो जाएंगे तो ये फार्मूला सिखा देना आज घर वालों को एमडीएच ठीक है क्या उत्तर होगा बताओ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स कुछ दो बता रहे हैं कुछ पांच बता रहे हैं देखते हैं बताओ भाई दो और पांच वाले देखते हैं क्या उत्तर आएगा नहीं हो रहा मैं कराता हूं देखो अठारह आदमी है MDH की पावर लगाओ MDH MD, MDH एच एम डी एच अपोन वर्क इधर एम डी एच अपॉन वर्क फॉर्मूला क्या एम क्या है यहां पे अठारह आदमी है दो घंटे डेली काम करते हैं दस दिन तक काम किया और कितनी नौ मेज बनाई वर्क का मतलब नौ सौ मेज इधर क्या करना है छह सौ 660 मेज बनानी है 660 मेज बनानी है क्योंकि वर्क नीचे आएगा 12 दिन है और 11 घंटे काम करते हैं तो आदमी कितने लगेंगे एम कितने लगेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ओके तो आप कर लीजिए इसको आ, इसका जो वैसे मैं तो थोड़ा इजीली कर लेता हूं जिनको कैलकुलेशन थोड़े अच्छे से आती है वो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा जैसे 11 से ये 66 जाएगा 11 छिका 66 जीरो आ गई बारह से फिर ये जाएगा बारह पंजे साठ तो इधर तो रह गया एम बटे पांच इधर वाले को सॉल्व कर लो एक जीरो से एक जीरो गई अठारह पंजे नब्बे यहां रह गया दो बटे पांच अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पांच गुना एम इज टू दो गुना पांच इस पांच से ये पांच भी गया तो m इज इक्वल टू ट्यू दो आएगा भाई दो कहां है दिस इज आंसर क्या दिक्कत थी इसमें बताओ कोई भी प्रॉब्लम नहीं था भाई कितना तो आसान सवाल है आप खुद सोचो अगर एम डी एच चाट मसाला आपके पास नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करना जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो ठीक है इसको दाएं बाएं करके कर देगा एक ह्यूमैनिटी का बच्चा जो सिंपल ग्रेजुएट है बी ए किया है एम ए किया है और यूपीएससी करना है तो सी सेट बड़ा चैलेंज है तो आपको ऐसी ट्रिक्स आनी पड़ेगी ये सारी चीजों का आपको पता होना जरूरी है ठीक है। चलो अगर चार आदमी अगर चार आदमी पांच घंटे प्रतिदिन काम करते हुए आठ दिनों में किसी काम को कर सकते हैं ओके कोई एक काम है दो गुना काम बीस दिनों में कितने आदमी कर पाएंगे अगर वह दो घंटे डेली काम करता है सवाल को ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा काम को लेके बदलाव आ गया है काम को लेके बदलाव आया है इस बार क्वेश्चन नंबर सेवन नहीं हो रहा है कराएंगे हम कहा है परेशानी ले रहे हो अब वही फॉर्मूला लगाओ एम डी एच एम डी एच एम डी एच बटे वर्क इज इक्वल टू एम डी एच बटे वर्क अब ये फॉर्मूला तो याद ही रखना है माइंड में अब ये कहता है अगर चार आदमी है नंबर ऑफ मैन कितने हैं फोर पांच घंटे प्रतिदिन काम करते हुए आठ दिन है दिन कितने हैं आठ घंटे कितने हैं पांच किसी एक काम को कर लेते हैं वो काम है एक चलो कहता है दुगना काम है काम दुगना यानी कि काम एक से दो हो गया दो गुना हो गया एक का दोगुना इस वाले काम से दुगना काम है तो वर्क को क्या कर दिया जस्ट डबल दुगना काम बीस दिन है बीस दिन है डेली दो घंटे काम करते हैं तो कितने आदमी लगेंगे कौन सी बड़ी बात हो गई तो सॉल्व कर दो।, दो से तो दो गया ओके तो m गुना ट्वेंटी इजकल टू चार गुना आठ गुना पांच तो ये एम इजकल टू हो गया चार गुना पांच कितना होता है चार गुना पांच पांचों का बीस गुना आठ ये बीस इसके नीचे आ जाएगा तो एम इजिकल टू एट ये लो भाई कहां है आठ आदमी लगेंगे आ गया सर बच्चे कह रहे हैं, आ गया सर ओके एम डी एच एम से मैन डी से डेज एच से आर आदमी दिन घंटे और वो जो भी काम कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट चलो कहता है बीस मजदूर है बीस मजदूर है कभी आदमी होंगे कभी मजदूर हो कुछ भी हो सकता है कभी महिलाएं हो सकती है उससे मत घबराना एम से मतलब जो काम करने वाला है वो एम है बीस मजदूर किसी काम के वन थर्ड हिस्से को बीस दिन में कर देते हैं तो शेष काम शेष काम पच्चीस दिन में कितना मजदूर पूरा करेंगे बताओ क्या उत्तर आएगा रितिका बता रही है बत्तीस अनुराग बत्तीस ऋतु ट्वेंटी टू बता रहे हैं और प्रेम थर्टी टू यूपीएससी के सामने गुलाब का फूल लेके खड़े हुए हैं वो भी बत्तीस बता रहे हैं सी प्रजापति आर के प्रजापति विशाखा भी थर्टी टू बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन चलो करते हैं अब सवाल सॉल्व करते हैं देख लिया मैंने आपका बीस वही है फॉर्मूला तो सेम है एम डी एच अपॉन वर्क एम डी एच अपॉन वर्क अब ये कहता है मजदूर कितना है नंबर ऑफ मैन ट्वेंटी दिन कितने हैं बीस घंटे नहीं दिए गए तो हमने एक मान लिया छोड़ो अब काम कितना है वन थर्ड है एक बटा तीन है वन बाय थर्ड इज टू शेष काम को 25 दिन में कितने मजदूर एम इसने पूछा दिन कितने हैं 25 और घंटे नहीं दिए तो हमने मान लिया एक और शेष काम क्या हुआ बेटा शेष काम शेष काम है यानी कि वन थर्ड तो हो गया बाकी कितना बचा टू थर्ड भाई किसी काम का एक तिहाई हिस्सा कर लिया तो बाकी कितना बचा दो तिहाई क्या दिक्कत हो गई इसमें कोई समस्या बस एक चीज ध्यान रखना मैं आपको बता देता हूं अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है x अपोन y अपोन z ठीक है तो इसमें यह वाला ऊपर जाता है ऊपर जा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा x के साथ तो x गुना जेड अपोन वाई होगा ये तो ये एक बटा तीन है तो ये तीन ऊपर आ जाएगा ये दो बटा तीन है तो ये तीन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बीस गुना बीस गुना तीन बराबर एम गुना पच्चीस गुना तीन बटे दो ओके okay, इसके नीचे जब कुछ नहीं होता तो एक मान लेते हैं अब सॉल्व करो इस तीन से ये तीन गया ओके okay, ये दो का मल्टीप्लाई इधर होगा इसका मल्टीप्लाई इधर तो एम गुना ट्वेंटी फाइव इजकल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई ट्वेंटी ये चार सौ हो गया और ये ट्वेंटी फाइव इसके नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा हम सही तो जा रहे हैं ना बरखुदार हम सही तो जा रहे हैं सही जा रहे हैं ना अपन अच्छा ये दो की भी तो मल्टीप्लाई होगी इसमें दो की भी तो मल्टीप्लाई होगी दो की मल्टीप्लाई होगी आठ सौ बट्टे पच्चीस जाएगा पच्चीस धुनी पचास पच्चीस दिया पिछहत्तर पिछहत्तर के बाद पांच बचा तो पच्चीस धुनी पचास बत्तीस आ गया इसका उत्तर थर्टी टू आठ सौ बटे पच्चीस थर्टी टू आ गया ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं ऐसे सवालों से घबराना नहीं है ये सब डराने के लिए है देखो डराने वाले सवाल है डरना नहीं है भाई डरना नहीं है कैसे दस मजदूर एक तीन मीटर लंबा चार मीटर चौड़ा पांच मीटर गहरा खड्डा खोद रहे हैं खोद रहे हैं आप सोचोगे तीन मीटर लंबा चार मीटर चौड़ा पांच मीटर गहरा इसी में उलझ गए आप पंद्रह दिनों में खोद देते हैं इस स्थिति में बीस मजदूर चार मीटर लंबा पांच मीटर चौड़ा और छह मीटर गहरा गड्ढा कितने दिनों में खोद देंगे घबराना नहीं है इस पृथ्वी के सबसे आसान सवालों में से है ये सवाल आपको पता है क्वेश्चन नंबर नाइन जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन का जवाब दीजिए फॉर्मूला वही लगेगा भाई फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है एम डी एच अपोन वर्क एम डी एच अपोन वर्क मजदूर कितने हैं एम दस मजदूर है तीन मीटर लंबा चार मीटर चौड़ा और पांच मीटर गहरा गड्ढा खोद रहे हैं यानी कि गड्ढा खोदना उनका काम हो गया तो वो गड्ढा कितना है तीन मीटर चार मीटर गुना पांच मीटर चलो ये वर्क हो गया उनका ये वर्क है ये गड्ढा खोदना उनका काम है दिन कितने लगते हैं पंद्रह पंद्रह दिन दे रखे घंटे नहीं दे रखे तो एक मान लिया चलो आगे बताइए इस स्थिति में बीस मजदूर है और गड्ढा कितना है चार गुना पांच गुना छ कितना पूछता है कितने दिनों में खोद देंगे डेज पूछ रहा है हो गया भाई कुछ भी नहीं चार और पांच इधर है चार और पांच इधर है ये तो गया और तीन छुनी दस, दस बीस तो टेन गुना डी इजकल टू दस गुना पंद्रह और ये दस से दस गया क्योंकि इसके नीचे आ जाएगा या इसको ऐसे लिख सकते हो दस गुना पंद्रह बटे दस दस से दस गया डीज कल टू फिफ्टीन पंद्रह दिन लगेंगे भाई पंद्रह दिन ठीक है कोई दिक्कत ये काम था बेटा तीन चार और पांच तीन मीटर गहरा चार मीटर चौड़ा तीन मीटर लंबा चार मीटर चौड़ा पांच मीटर गहरा ये वर्क था तो दोनों साइड हमने वर्क लिख दिया ठीक नेक्स है नेक्स्ट चलते हैं कहते हैं अगर छह आदमी है छह घंटे डेली काम करते हैं और आठ दिन में चार सौ पचास रुपए कमाके लाते हैं ना बहुत कम मजदूरी है भाई आठ दिन में साढ़े चार सौ रुपए क्या घर कैसे चलेगा पैसा बढ़ाओ भाई आंदोलन आंदोलन कराओ आठ आदमी पांच घंटे प्रतिदिन काम करते हुए दस दिनों में कितना पैसा कमा के लाएंगे शोषण है शोषण साफ साफ शोषण है आठ दिन में सिर्फ साढ़े चार सौ रुपए दिए जा रहे हैं ना इंसाफी है प्रेम कुमार रितिका सपना दीपू सिंह रावत सृष्टि दीक्षित सब जवाब दे रहे हैं आर के प्रजापति गगन गगन का ती छह सौ तीस आ रहा है ओके सपना लक्ष्मण चलो देखते हैं अभी अभी मुझे देखना पड़ेगा है ना सबके अलग अलग मजदूरी निकल के आ रही है काम वही है एम डी एच मैंने शुरुआत में ही बताया या तो वर्क होगा या मनी दी हो गई तो वर्क वाला तो नहीं है इस बार पैसे की बात हो रही है ये पैसा की बात आ गई तो मनी आ गया कोई दिक्कत नहीं एम डी एच या तो वर्क होगा या मनी होगी तो अब देखते हैं छह आदमी है ओके कितने आठ दिन काम करते नंबर ऑफ डेज आठ है कितने घंटे काम करते सिक्स आवर डेली करते हैं कमाके कितना लाते हैं चार सौ पचास दूसरा आठ आदमी है पांच घंटे डेली काम करते और दस दिन तक दस दिन तक काम किया पांच घंटे डेली काम किया अब पूछता है कितना पैसा कितना मनी चाहिए मनी तो सॉल्व कर दो भाई इसको क्या दिक्कत हो गई सॉल्व करने में आठ से आठ गया गया या नहीं गया अब ये सिक्स से इसको डिवाइड करेंगे 6 सत्ते बयालीस छ पंजे तीस इतना भी ठीक चल रहा है अब इसको तीन से डिवाइड करो तीन दुनी छ और पच्चीस दिया पिछहत्तर तो दो बटे पच्चीस ये हो गया ना इसका दो बटे पच्चीस इजकल टू दस पंजे पचास बटे एम तो इस ये दो से ये भी पच्चीस बार गया है ना तो एम इज टू क्या हो गया ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव सिक्स टू फाइव ये लो छ पच्चीस रुपए कमाए कहां है छह सौ पच्चीस ये लो 625 पच्चीस जवाब है भाई छह सौ पच्चीस ओके okay. आ गया किसी को कोई दिक्कत इस बार वर्क नहीं दिया गया था इस बार पैसे दिए थे पैसे पैसा चलो अगला सवाल एक और सवाल ले लो पांच आदमी है चार घंटे डेली काम करते हैं आठ दिन में साढ़े चार फिर वही घोर अन्याय यार लोगों को है ना आठ दिन में चार सौ पचास रुपये कोई देता है अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं मिलते होंगे इतने तो नहीं उस टाइम तो मिलते होंगे तो आठ आदमी पांच घंटे प्रतिदिन काम करते हुए दस दिनों में कितने रुपए कमा के लाएंगे स्कूल में होते है ना कई बार कॉमेडी शो वाले बोलते सवाल को सॉल्व करो बोले कैसे वो बोलेंगे हम नहीं सॉल्व करेंगे बोलेंगे क्यों नहीं सॉल्व करें कह रहे अन्याय है इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर अन्याय है इनजस्टिस है इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर शोषण छुपा हुआ है शोषण छुपा हुआ है हम नहीं करते ऐसे सवालों को क्वेश्चन नंबर इलेवन ग्यारह सौ पच्चीस जवाब दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे नेहा प्रदीप अंजू और अनुराधा दीपू ज्यादातर बच्चों का जवाब छ्यारह सौ पच्चीस आ रहा है सेम काम करेंगे सेम वही वही काम है हमारा तो भाई एम डी एच बटे मनी एम डी एच बटे मनी तो आदमी कितने हैं पांच दिन कितने हैं आठ घंटे कितने हैं चार पैसा कितना है चार सौ पचास इधर क्या करेंगे आदमी कितने हैं आठ दिन कितने हैं दस घंटे कितने हैं पांच पैसा पूछ रहे कितना पैसा कमाएंगे सॉल्व कर लो इसको इधर आठ से ये आठ गया इधर पांच से ये पांच गया ओके तो इसको फिर डिवाइड करते हैं चार से इसको डिवाइड करते हैं चार एकम चार डिवाइड करते हैं फोर मल्टीप्लाई बाय एम इजकल टू टेन मल्टीप्लाई फोर फिफ्टी ओके तो एम इजिकल टू टेन फोर फाइव जीरो अपॉन फोर तो दो दूनी चार दो पंजे दस फिर दो से इसको काटो दो दूनी चार दो दूनी चार, चार दो पंजे दस आ गया ग्यारह सौ पच्चीस क्या कोई मुश्किल है कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई ठीक ये सवाल अच्छा है हाँ ये अच्छा सवाल है भाई एक व्यक्ति एक व्यक्ति है एक निश्चित दूरी कोई दूरी है यह उसका काम हो गया 114 दिनों में 114 फोर्टीन डेड वन हंड्रेड डेज में प्रत्येक दिन नौ घंटे विश्राम करके चलता है नौ घंटे विश्राम कर रहा है वो विश्राम वह इससे दुगनी दूरी दूरी जस्ट इससे जस्ट डबल कर दी कितने समय में पूरी कर लेगा यदि वह रोजना की तुलना में दो गुना ज्यादा गति से चलता है और पहले की तुलना में दो गुना ज्यादा आराम करता है ए, ए वाला कछुआ ए वाला खरगोश ऐसा हो गया कुछ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बताओ विशाखा बोल रही है सर थैंक यू सो मच पहले ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे है ना अब होगा सब होगा डोंट वरी साक्षी बता रही है तीन सौ पांच उत्कर्ष बता रहे हैं टू एट फाइव रंजना 305, दीपू 305, जीरो फाइव प्रिया सी क्वेश्चन नंबर 12। तो लगाओ एम डी एच एम डी एच काम की बात हो रही है तो इस बार वर्क लिखेंगे है ना एम डी एच अपॉन वर्क आ जाओ एक आदमी है आदमी तो एक ही है एक निश्चित दूरी 114 नंबर ऑफ डेज 114 और मल्टीप्लाई आएगा सॉरी प्लस कैसे हो गया मल्टीप्लाई अब इसने बोला नौ घंटे विश्राम करता है विश्राम का मतलब वो काम नहीं कर रहा देखो एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं नौ घंटे वो आराम करता है तो काम कितने करेगा है ना चौबीस में से चौबीस घंटे में से विश्राम के नौ दिन हटा दो फिर पंद्रह दिन बचेगी पंद्रह घंटे बचे तो ये हो गया पंद्रह बटे वन दूसरा कहता है कि दूसरा आदमी आ गया दुगनी दूरी कितने समय में पूरा करेगा दूरी कितनी हो गई दोगुनी यदि वह पहले दिन की तुलना में दो गुना ज्यादा गति से काम कर रहा है है ना काम को दो गुना ज्यादा गति से कर रहा है और पहले की तुलना में दो गुना आराम करता है आराम यानी कि पहले नौ घंटे आराम करता था अब यह नौ का दो गुना यानी कि अट्ठारह घंटे आराम करता है तो अठारह घंटे आराम कर रहा है तो काम कितने घंटे कर रहा है काम करता है ये छह घंटे चौबीस में से अठारह चला जाएगा तो काम करेगा वो 6 आर 6 आर तो वह पूर्व की अपेक्षा दुगना आराम करता है तो वह इससे दुगनी दूरी कितने समय में पूरा करेगा यानी कि फिर टाइम पूछ लिया इस बार आर्स पूछ लिए कितने समय कितने समय में पूरी करेगा यहां पे हमने जो भी कितना समय इसको एक्स मान लिया अब इसको सॉल्व करो आप तो क्या हो गया ये दो से दो गया सिक्स गुना एक्स इजल टू वन वन फोर गुना वन फाइव एक्स गुनाल टू वन वन फोर गुना फिफ्टीन बाय सिक्स अब इसको सॉल्व करो ती, आ, तीन दून छह तीन पंजे पंद्रह और दो से इसको सॉल्व करो दो तो पंजे दस दो सत्ते चौदह तो सत्तावन गुना पांच कितना हो गया टू एट्टी फाइव कोई दिक्कत सेम ही चीज थी बेटा बस यहां आपने फंसना क्या था ये नौ घंटे आराम कर रहा है जबकि एमडीएच के फॉर्मूले में हमारा घंटे काम की बात करते हैं काम की बात करते हैं ठीक है, ओके नेक्स्ट चलो कहता है कुछ आदमी है किसी काम को साठ दिन में कर सकते हैं अरे कितना काम कराओगे यार एक घंटे से काम ही करा रहे हो काम करते हैं नहीं करते दीवार बनाते हैं गड्ढा खोदते हैं एक घंटा हो गया मजदूरी वाली फीलिंग आ रही है अभी चलो कोई बात नहीं एक आदमी किसी काम को साठ दिन में कर सकता है यदि आठ आदमी ज्यादा हो तो यही काम दस दिन कम में हो जाता तो शुरुआत में कितने आदमी काम पर थे बताओ बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहता है कुछ आदमी किसी काम को साठ दिनों में कर सकते थे हमें आदमी नहीं पता वो कितने आदमी थे यदि आठ आदमी और हो जाते तो यही काम दस दिन कम में हो जाता दस दिन कम बोल रहा है कम कम दस दिन कम किससे कम पहले वाले से कम तो अब फॉर्मूला सेम है हमारा एम डी एच चाट मसाला प्लस वर्क की बात करता है एम डी एच चाट मसाला वर्क की बात करता है चलो आ जाओ कुछ आदमी है हमें नहीं पता कितने हैं हमने एम मान लिया कि वो आदमी एम ही है किसी काम को साठ दिन में कर रहे थे साठ दिन में कर रहे थे ओके ये काम कोई काम था साठ दिन में हो गया था आप क्या कहता है यदि आठ आदमी ज्यादा हो गए यानी कि एम थे एम कितने थे हमें यह तो नहीं पता लेकिन आठ ज्यादा हो गए एम के साथ आके आठ और जुड़ गए तो यह काम दस दिन कम में हो जाता पहले साठ में हो रहा था साठ से दस दिन कम कितना हो जाएगा अब वो काम पचास दिन में हो जाएगा गुना वन काम वही है तो आ जाओ भाई सॉल्व करो इसको एम गुना साठ इज इकल टू एम प्लस आठ गुना पचास एक जीरो से एक जीरो गई तो ये हो गया सिक्स एम अब ये एम प्लस एट मल्टीप्लाई बाई फाइव इस पांच के अंदर गुना होगी तो सिक्स एम इजिकल टू पांच एम प्लस आठ पंजे चालीस ये m इधर आके माइनस में हो जाएगा सिक्स एम माइनस फाइव एम इजल टू फोर्टी छ में से पांच गए तो वन एम रह गया यानी के शुरुआत में कितने लोग थे चालीस आदमी कहाँ है चालीस ये रहा. आया समझ में कुछ भी तो नहीं था बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि पहले पता नहीं था अब उसमें उल्टा और आ, कभी दस आके जुड़ जाएंगे कभी पांच जुड़ जाएंगे कभी बोलेगा कि पहले की तुलना में दस आदमी कम थे तो पहले अगर एम थे तो तुलना में दस आदमी कम थे तो इसका मतलब एम में से टेन घट जाएगा अगला सवाल देखो कुछ आदमी किसी काम को सौ दिनों में कर सकते हैं यदि दस आदमी कम होते ये देखो कम वाला आ गया तो ये काम पचास दिन ज्यादा में होता यानी कि पहला जितना टाइम ले रहा था उससे पचास दिन और ज्यादा लेगा तो शुरुआत में कितने आदमी काम पर लगे थे फोर्टीन ठीक है बच्चे जवाब दे रहे हैं तीस देखते हैं फॉर्मूला वही है एमडीएच चाट मसाला अपॉन वर्क एम डी एच अपॉन वर्क आ जाओ कुछ आदमी हमें नहीं पता वो कितने हैं तो हमने एम ही मान लिए उन आदमियों को ये एम है किसी काम को डेज कितना है हंड्रेड डेज है घंटे दे रखे नहीं दे रखे तो वन मान लिए छोड़ो ओके काम को हमने मान के चला एक कोई एक काम है यह काम अब कहता है यदि दस आदमी कम होते यानी कि ऑलरेडी हमें नहीं पता तो एम में से दस और कम होते चलो तो यह काम पचास दिन ज्यादा ज्यादा मतलब सौ दिन लग रहे थे अब पचास और जोड़ दो गुना डेढ़ सौ घंटे दिए नहीं है काम सेम है तो ये हो गया m मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इजिकल टू एम माइनस टेन मल्टीप्लाई बाय वन फिफ्टी तो वन जीरो से वन जीरो गया ओके तो दस गुना एम कितने हो गए टेन एम इस पंद्रह के अंदर, अंदर गुना करेंगे गुना करेंगे तो माइनस वन फिफ्टी आ जाएगा तो पंद्रह अब ये इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर और इसको इधर ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल जो सिचुएशन बैठेगी पंद्रह एम माइनस टेन एम इज टू वन फिफ्टी देखो इधर से इधर प्लस माइनस करना तो आता है ना मैं आपको बताता हूं सपोज करो कोई इक्वेशन है यहां मैंने लिखा x प्लस टेन इक्वल टू वाई अगर मैंने ऐसे लिखा अब ये दोनों तो वेरिएबल वेरिएबल हमें नहीं पता वाई का वैल्यू क्या होगा एक्स का वैल्यू क्या होगा अब इनको तो इस वाई को अगर मुझे इधर लाना है इस इक्वल के से इधर लेके आना तो इधर वाई प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई ये इधर प्लस है तो इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इजकल टू माइनस टेन ऐसे चेंज होता है बेटा इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में ओके और इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई अपोजिट हो जाता है जाके आता है ये फिर ठीक है तो यही हुआ है यहां पे बस तो कितना हो गया फाइव एम इजकल टू वन फिफ्टी और एम इजकल टू वन फिफ्टी अपॉन फाइव इजकल टू थर्टी चलो ओके नेक्स्ट आंसर इज थर्टी सेम है बेटा कोई एक काम है कुछ मजदूरों के द्वारा उसको सौ दिन में पूरा किया जाता है दस मजदूरों की अनुपस्थिति है यानी कि दस मजदूर नहीं है तो यह काम एक सौ दस दिनों में हो जाता है तो पहले वाले जैसा ही है दस आदमी कम है तो इस बार इसने कम की जगह अनुपस्थित बता दिया सेम फॉर्मूला है माइनस में चलेगा इस बार बस आप मुझे बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा प्रश्न का उत्तर बताओ ठीक है ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं 110 मीनाक्षी 110 बता रही है मीनाक्षी राजपूत जहाना प्रवीण 110 सौ दस सौरभ गोस्वामी एक अनुराग 110 ओके दीपक भी 110 बता रहे हैं सब बच्चों का 110 आ रहा है राखी गुप्ता 110 ओके, okay. यस yes, इस प्रश्न का सही उत्तर 110 ही होगा यह आप करके देखना सेम फॉर्मूला है सेम नियम है 110 ही होगा 110 ही होगा वेल well डन अब कहते हैं एक हॉस्टल है हॉस्टल हॉस्टल तो जानते हैं ना पढ़े होंगे यार हॉस्टल में अच्छा हॉस्टल में पढ़ते नहीं हो ओके कोई बात नहीं अब यूपीएससी है पढ़ा करो एक हॉस्टल है एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी 10 दिन बाद 40 10 दिन बाद 50 और विद्यार्थी छात्रावास में आ गए है ना तो शेष भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी कितने दिन चलेगी सामग्री बताओ सामग्री कितने दिन चलने वाली है YouTube पे जो ज्योग्राफी जो है 2023 2023 की प्रिलिम्स की ज्योग्राफी 15 सितंबर के बाद से मैं शुरू कर दूंगा मैंने बता दिया था और जो ज्योग्राफी जो मुख्य परीक्षा वाली है वो काम करेगी वो कर लेना पुराने वाली क्लासेस अरे भाई क्या बोल रहे हो रे भैया कॉमन सेंस लगाओ कॉमन सेंस कॉमन सेंस लगाइए उत्तर को पा जाइए चलो मैं बताता हूं समस्या कहाँ हो गई आप भटक गए हो थोड़ा सा सुनो 200 विद्यार्थी थे 50 दिनों का खाना था चलो बहुत बढ़िया 10 दिन बाद यानी कि 10 दिन हो चुके पचास में से दस दिन बाद दस दिन तो हो चुके भाई वो जो खाया वो तो हजम भी हो गया जो खाया है वो कब का हजम हो चुका है अब बचे चालीस दिन अब दस दिन के बाद पचास और आ गए सुनो अगर ये दो सौ थे तो वो खाना चालीस दिन चलता चलता या नहीं अब अब कितने हो गए पचास और आ गए भाई ढाई सौ हो गए अब कितने दिन चलेगा डेज सेम ही तो फॉर्मूला है बेटा एम डी एच एम डी एच डेज पूछ रहा है डेज पूछ रहा है घंटा नहीं दिया आदमी बता दिया और भोजन की बात कर रहा है है ना 200 आदमी 40 दिन ढाई सौ आदमी तो कितने दिन हो गया X क्या होगा X इज इक्वल टू दो सौ गुना चालीस बटे ढाई सौ पच्चीस अच्छा पचास से चार बार जाएगा पचास से पांच बार जाएगा पान अट्ठे चालीस जाएगा आठ चौका बत्तीस जाएगा चालीस किसके कैसे आ रहा था भाई चालीस मौसी जी आ चुकी है बुआ फूपा जी भी आ गए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए अब शुरुआत में ही बताया था ना मैंने आपको भूल जाओ अरे वो पुराना तरीका भूलो अभी आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो माना एक्स आदमी खाते थे इतने दिनों में वाई खाएंगे इतने अरे कौन करेगा उस तरीके से छठा क्लास के बच्चे थोड़े ही ना है एडवांस लेवल पे जाके सीधा एमडीएच का चाट मसाला खाएंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे आ जाओ एक और सवाल एक छावनी में अच्छा एक काम करना जब भी इन सवालों को सॉल्व करोगे एमडीएच का चाट मसाला साथ में लेके बैठना एक उंगली उसमें डालना है ना उंगली से फिर चटकारा मार मारना और एक सवाल सॉल्व करना और बोलना थैंक यू एमडीएच आपकी वजह से ये सवाल सॉल्व हो गया ठीक ओके अगला सवाल देखो एक छावनी छावनी जानते ना छावनी सैनिक यस एक छावनी में एक हजार सैनिकों के लिए एक महीने का भोजन सामग्री उपलब्ध था एक महीने का ठीक है नंबर ऑफ डेज दस दिन बाद दस दिन बाद एक हजार सैनिक और आ जाते हैं तो शेष भोजन कितने दिन तक और चलेगा देखते क्या जवाब देते हैं। मीनाक्षी राजपूत बता रही है बीस सुषमा बता रही है पांच यूपीएससी बी बी का मतलब दस ठीक है आरती दस मीनाक्षी का दस हो गया बुत्तर ठीक है बदल दिया मीनाक्षी पहले बीस बताया था आपने अब दस पे आ गए कोई बात नहीं चलेगा पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे अनअकेडमी अंडर स्कोर नवीन तवर ओके दस अच्छा मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा एक बार फटाफट पहले पहले है ना क्लास को यार लाइक बनता है है ना फटा फटाफट लाइक करो फिर मैं इसका जवाब देता हूं आपको फटाफट लाइक करो करो लाइक इसको जल्दी से लाइक कीजिए कर दिया है अब देखो एक छावनी में एक हजार सैनिक थे एक महीना यानी कि तीस दिन का राशन था दस दिन बाद यानी कि दस दिन का तो जितना खाना था वो हजम भी हो चुका अब दस दिन बाद यानी कि कितने दिन बचे बीस दिन ओके अगर अगर वो एक हजार सैनिक होते तो वो खाना चलता बीस दिन ठीक है लेकिन कहता है दस दिन बाद एक हजार सैनिक होगा और आ गए यानी कि एक हजार पहले से थे एक हजार और आ गए दो हजार सैनिक हो गए अब कितने दिन चलेगा भाई देखते हैं नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज आ गया तो d इज कल टू होगा आपका एक हजार गुना बीस बटे दो हजार एक हजार से दो हजार दो बार गया दो से बीस दस बार गया तो अब चलेगा वो दस दिन कहां है दस दिस इज दस हो गया ना मजा दस दिन और चलेगा बेटा जो खा लिया एक बच्चा कह रहा है सर वो पुराने वाले दस दिन वो तो खा लिया बेटा हजम भी हो गया चाट मसाला खा रहे थे ना दस दिन में सब हजम हो गया अभी जो बाकी बचा उसके लिए तो बात करेंगे जो जुक जो खा लिया वो तो हजम हो गया वो अब इस दुनिया में नहीं है वो रिसाइकल हो गया तो ज्योग्राफी ऑप्शनल चल रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास हो रही है तो 19 जुलाई से बैच चला हुआ है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर टू से मैंने शुरू किया हुआ है बेटा आप भी ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरे साथ पढ़िए और यकीन दिलाता हूं अगर सबसे शानदार नंबर नहीं आए तो आप बताना तो नवीन वन रेफरल कोड आपने इस्तेमाल करना है और ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरी क्लासेस प्लस पर चल रही है जाके सीधा ज्वाइन कर लो और और आज आज इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी आज इन दोनों में से कोई भी क्लास नहीं होगी और आगे सुन लो अभी पांच सितंबर के दिन हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है बेटा पांच सितंबर के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट है इस इवेंट को देख लो ये इवेंट दिखाना चाहता हूं मैं आपको आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा इस इवेंट के बारे में सुनो अन अकेडमी वन है बेटा अन अकेडमी वन अन अकेडमी ने इस भारत के अंदर पूरे भारत देश के अंदर शिक्षा को जिस हिसाब से लोकतांत्रिकरण किया है ऑनलाइन एक नया रेवोल्यूशन है अन अकेडमी अब क्योंकि पांच सितंबर है और टीचर्स डे आ रहा है इस पांच सितंबर को इवनिंग के सिक्स पीएम एक ऐसा अन अकेडमी कुछ ऐसा नया शुरू करने जा रहा है जो पूरे भारत में है ना शिक्षा के फील्ड में एक रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा आप ऐसा कुछ नया होने वाला है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा शिक्षा आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को एक नए स्टेज पे जाके ले जाएगा ओके तो आप बिल्कुल तैयार रहना। पांच सितंबर इवनिंग सिक्स पी के समय पर तो अभी क्योंकि पांच सितंबर है आने वाले दो दिन क्योंकि उस इवेंट की तैयारी करनी है बहुत सारे हम एडुकेटर्स उसमें बिजी रहेंगे तो मेरा कल वाला क्लास नहीं होगा सैटरडे वाला इसलिए मैंने आज क्लास ली है और बाकी पांच सितंबर को तो मिलेंगे ही कुछ नया होने वाला है, इवनिंग में सिक्स पीएम उस दिन देखते हैं क्या नया करेंगे हम तो आगे चलते हैं यहां से एक सेकंड रुको इस नया क्या होगा देखना आप सभी लोग है ना पूरा भारत देखेगा अन अकेडमी की ताकत को अन अकेडमी किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रेवोल्यूशन है तो नवीन वन रेफरल कोड इस्तेमाल करके आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं आप जानते हैं इससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा बेटा डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा बाकी इस पूरी तैयारी में दो ढाई तीन साल लगते हैं उस तैयारी में आपको एक जबरदस्त सहयोग और बैकएंड एंड पे एक मजबूत सपोर्ट चाहिए और अगर आपको लगता है कि नवीन सर आपकी वो सपोर्ट बने तो आपको रेफरल कोड नवीन वन अप्लाई करके अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा ये फ्री क्लासेज है आपदा प्रबंधन निबंध लेखन नैतिकता की अदालत ये सब फ्री क्लासेज है ऐप को डाउनलोड करो और देखो चार सितंबर संडे के दिन सुबह ग्यारह बजे अन अकेडमी कॉम्बेट होता है मैं बच्चों से हर बार कहता हूं फ्री टेस्ट है हर हफ्ते आपको एक फ्री टेस्ट मिल रहा है कोई नहीं देता बेटा अन अकेडमी हर हफ्ते दे रहा है और ऊपर से आपको जीतने के लिए एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी है आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो यहाँ पे टॉप फिफ्टी बच्चों को पचास परसेंट पचास से ढाई तक ढाई तीस परसेंट और ढाई से पाँच तक पच्चीस का स्कॉलरशिप डिस्काउंट है और हर साल हमारे कॉम्बेट से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में तो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आ, जो बच्चे मैं लगातार बोलता हूं टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है आपकी इस परीक्षा में कामयाब होने के लिए 2023 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं सी एस सी मेन्स टेस्ट सीरीज दो हजार तेईस लॉन्च हो चुकी है तीस से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट 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 होंगे 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 फुल लेंथ के फीडबैक मिलेगा आपको डिटेल्ड इवेल्यूएशन मिलेगा मॉडल आंसर आपका लाइव एनालिसिस सेशन होगा उस टेस्ट का और बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपका परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तो 11 सितंबर से ये शुरू होगा तो आप इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे तो आ, मिलते हैं फिर आपसे पांच सितंबर के दिन कल सैटरडे क्लास नहीं होगी और संडे को मैं क्लास नहीं लेता पांच सितंबर से कुछ नया पूरा भारत जिसका एक गवाही बनेगा आप भी बनना अपने दोस्तों को भी लेके आना ओके भाई ठीक है टेक केयर